हेलो दोस्तों, मैं हूँ भाग्यश्री। आपका माय किचन पॉड में स्वागत है। आज हम गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। गाजर यानी कैरेट। हलवा एक अरेबिक वर्ड है और हलवा मीन्स स्वीट। और ये गाजर का हलवा सबसे पहले मुगल साम्राज्य में बनाया था। तब से ये गाजर का हलवा बहुत ही पसंद किया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये गाजर का हलवा इंडियन फेस्टिवल में ट्रेडिशनली स्वीट में बहुत ही एंजॉय किया जाता है। पंजाब स्टेट के बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे नॉर्मली दिवाली, होली, ईद, रक्षाबंधन में बनाकर पसंद किया जाता है। गाजर में बहुत सारा विटामिन ए होता है, तो ये खाने के लिए बहुत ही हेल्दी हलवा है। अभी बहुत ही अलग अलग तरह से ये गाजर का हलवा बनता है, तो आज हम ये गाजर का हलवा बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है। इजी टू मेक और टेस्टी टू ईट। तो चलो आज हम ये इजीली गाजर का हलवा कैसे बनता है देखते हैं। अभी तक आपने माय किचन फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। गाजर का हलवा बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। हमने यहाँ पे आधा किलो गाजर लिए हैं, एक कप दूध लिया है और हमने यहाँ पे आधा कप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं। आप कंडेंस मिल्क की रेसिपी चैनल पे देख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिंक हाईलाइट हो रही है या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी है। और हम यहाँ पर शक्कर यूज़ करेंगे और घी और ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पर थोड़े से काजू, बादाम और इलायची पाउडर ली है। तो हम सबसे पहले गाजर को अच्छे से धो लेंगे और अच्छे से धोने के बाद उसके ऊपर की स्किन हम थोड़ी सी हटा देंगे। इनके ऊपर जो रेशे होते हैं उनको हमें हटाना है, तो इस तरह से लाइटली ही पील कर लेते हैं। इस तरह से पील होने के बाद हम नीचे से थोड़ा सा कट कर लेते हैं और फिर इस तरह से ग्रेटर के ऊपर उसको ग्रेट कर लेते हैं और ऊपर का जो पार्ट है उसको हटा देंगे। इस तरह से अभी हमने गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा रफली कट कर लेते हैं। मैं इस तरह से थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो हम पैन में 2 चम्मच घी लेंगे। मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है। घी अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर को हमें मिक्स करना है। गाजर के अंदर जो पानी होता है उसको थोड़ा सा हमें हटाना है, तो ये करने में हमें 3-4 मिनट लगेंगे। अभी आप देख सकते हैं गाजर में से थोड़ा सा पानी कम हुआ है, तो हम यहाँ पर आधा कप दूध डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो आधा कप हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क यूज करेंगे। कंडेंस मिल्क यूज़ करने से हमारा गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें थोड़ा सा खोया, मिल्क पाउडर या हेवी क्रीम भी डालकर इसको बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख के गाजर को दूध और कंडेंस मिल्क में अच्छे से कुक करते हैं। हमें ये कुक करने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। इसके बीच में हमें ये फिर से हिलाकर उसके ऊपर ढक्कन रख के हमें ये कुक करते रहना है। अभी इसमें जो दूध था इसमें ये गाजर अच्छे से कुक हुआ है। अभी थोड़ा सा ही दूध बचा है, तो अब इस पॉइंट पे हमें शक्कर डालनी है। तो हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच शक्कर यूज़ कर रहे हैं। कंडेंस मिल्क भी स्वीट है, लेकिन हम और थोड़ा सा शक्कर यूज़ कर रहे हैं। आप अपने पसंद से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। आप यहाँ पर रोज़ वाटर या केसर भी डाल सकते हैं और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको हमें हटाना है और अच्छे से हम इनको मिक्स करते हुए इनको ड्राई बनाते हैं। इस तरह से हम गाजर के हलवे को 3-4 मिनट में रेडी कर लेते हैं। अभी हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। आप इसी तरीके से गर्मा गर्म
गाजर का हलवा सर्व कर सकते हैं। हम गाजर के हलवे को थोड़ा सा नया लुक देते हैं, तो हम एक स्क्वायर शेप का टिन लेते हैं और इसके अंदर हम एक बटर पेपर डाल देंगे और बटर पेपर के ऊपर हम इस तरह से ये गाजर का हलवा फैला देंगे। हमें इनके पीसेस थोड़े से थिक रखने हैं, तो हम इस तरह से एक साइड में इनको सेट कर लेते हैं। अच्छे से सेट होने के बाद हम पिज्ज़ा कटर से उनको कट कर लेते हैं और ये रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख के उनको सेट कर लेते हैं। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं अभी हमारे पीसेस अच्छे से सेट हुए हैं। हम इनको एक प्लेट में निकाल देते हैं। हम एक पीस को इस तरह से सर्व कर लेते हैं। आप गाजर के हलवे को गर्मा गर्म या ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत ही यम्मी हमारा ये गाजर का हलवा बनकर रेडी है। बहुत ही इजीली बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर करें। हमारा टेस्टी यम्मी गाजर का हलवा बनकर रेडी है।